हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक के कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 6 मंथ बेबी के लिए बनाया हुआ है और इसे मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया है। एक कुर्ती मैंने बनाया था, उसी से फैब्रिक हमारा बचा हुआ था, तो मुझे ये फ्रॉक बनाने को बोला गया था, इसलिए मैं आपके साथ सोची कि इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कुर्ती बना हुआ था ना, उसमें कुछ इतना सा फैब्रिक बच गया था, ठीक है। और ये जो ऑरेंज फैब्रिक है ना, ये हमारा पैंट से बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने ये कुर्ती बनाया था, स्ट्रेट कुर्ती। इसके लिए मैंने लगभग 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया था और पैंट के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया था, जिससे हमारा कुछ इतना फैब्रिक बच गया था। सो चलिए इसी को यूज़ करके हम बहुत ही प्यारा सा वो बेबी फ्रॉक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो ग्रीन वाला फैब्रिक है, इसे कट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे ये लंबाई में फैब्रिक बची हुई है। पहले हम इसे उल्टे साइड पे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 2 फोल्ड में मैंने इसे रखा है, अच्छे से सेट कर लेंगे। सो ये फैब्रिक की जो लेंथ है 2 फोल्ड में, यहाँ पे मेरे पास ये 28 इंचेस की आ रही है, ठीक है। और इधर विथ वाइज ये लगभग 14.5 इंच आप मान लीजिए, इतना हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट को कट करके हटा लेंगे। जो फ्रॉक की जो टोटल लेंथ ना, मैं 21 इंचेस का रखने वाली हूँ। तो टॉप के लिए ना, हमें क्या करना है, ऊपर से 8 इंचेस पे मार्क करना है। हमें यहाँ पे 8 इंचेस को मार्क करके यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है ना, इससे हम वो तैयार करेंगे। अब ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ना, इसे वापस से फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड फोल्ड कर लेने के बाद अभी हमें इसे लेंथ वाइज 10 इंचेस लेना है। तो बिल्कुल सीधा करके हम इसे दोनों साइड से एक स्केल से हेल्प से इस तरह से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का घेर निकल जाएगा। तो जो स्कर्ट पार्ट हमने कट किया वो अभी हम साइड कर लेते हैं और टॉप पार्ट में चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छे से सेट कर लेना है। 4 फोल्ड हमें यहाँ पे कर लेते हैं इसे। 4 फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड से भी हम एक बार इसे सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद अभी चलिए हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ 4 इंचेस का, ठीक है। और यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 4.5 इंचेस। इस तरह से बॉक्स बना के हमें यहाँ पे शेप देना है आर्म होल का। फिटिंग के लिए मैं यहाँ लूँगी लगभग 6 इंचेस और वेस्ट फिटिंग भी 6 इंचेस ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा लूज ले रख रही हूँ, 1/2 इंच करके। यहाँ पे हमें नेक विड्थ लेना है 1.75 इंच और इसे लेंथ वाइज 3.5 इंच तक बढ़ाना है। राउंड नेक का शेप दे देना है और इसके बाद ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ना, एक साइड पे हमें यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमें 1 शोल्डर बनाना है। तो ये सीक्वेंस इसमें वर्क किया है, हल्का सा बैक में जो हमारा जरी वर्क है ना, इससे फैब्रिक थोड़ा सा चुप सकता है बेबी को। तो जो हमारा ऑरेंज वाला फैब्रिक है ना, उसका मैं यहाँ पर अस्तर दूँगी। और ये जो नीचे का घेर है, ये हमने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब बारी है हमारा जो ऑरेंज फैब्रिक है ना, ये हमें लेना है। ये देखिए 4 फोल्ड है, 4 फोल्ड लेना है। तो इसकी जो लेंथ है, हमें यहाँ पे ले लेनी है 3 इंच की, ठीक है। नीचे जो फ्रिल डालना है हमें, इसके लिए हम यहाँ पे 3 इंच का इसे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और इसकी लेंथ यहाँ पर मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत लंबा है। मीन्स इसकी जो टोटल घेर है ना, मीन्स 2 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ से हम एक और पीस कट कर ले रहे हैं, ठीक है। इससे हम बनाने वाले हैं स्ट्रैप। तो स्ट्रैप आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने दोनों साइड की स्ट्रैप के लिए ये देखिए कट की है, चौड़ाई 2 इंचेस की रखी है हमने। और एक और स्ट्रैप कट करनी है हमें यहाँ पे ऊपर, जो हमारा फ्रिल लगने वाला है नेक पे। तो यहाँ पर भी हम इसकी जो चौड़ाई है लगभग रखेंगे 3 इंचेस का, क्योंकि इसे 2 फोल्ड करना है हमें। और यहाँ पे जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग
जितना आप चून देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने एक अंदाजे से ही यहाँ पे इसे कट किया है। तो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर ली। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा होगा ना, इससे हम ऊपर जो टॉप पार्ट है ना उसमें हम एक सोचिए कि अस्तर के जैसा यूज़ होकर देने वाले हैं, ठीक है। तो ये कटिंग हो चुकी है, चलिए हम अब इसकी स्टिचिंग करके बताते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ टॉप पार्ट का जो शोल्डर है ना वो यहाँ पे स्टिच कर लेना होगा। इस तरह से स्टिच कर लेने के बाद अभी हमें ऊपर नेक पे जो फ्रिल बैठानी थी ना वो हमें लेनी है फैब्रिक को, ये देखिए। और इसे लेने के बाद इसे हमें टू फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से इसमें फ्रिल बनाना। तो लगभग एक इंच तक आप यहाँ पे इसे सीधे सिलाई कीजिए और इसके बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स इस तरह से डालते हुए जाएंगे। तो अच्छे से सेट करके यहाँ पे हमें दूसरे साइड तक इसमें हम इसी तरह से प्लीट्स रेडी करते हुए जाएंगे। और अगर इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बच जाता है तो आप उसे कट करके हटा दीजिएगा। तो मैंने जितना लिया एग्जैक्ट हमारा इतना हमारा यहाँ यूज़ हो जाएगा। ये देखिए मुझे एक्स्ट्रा एक भी फैब्रिक नहीं लगा, मतलब कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और यहाँ मैंने जो स्ट्रेप के लिए फैब्रिक लिया था ना इसे हम सिल करके रेडी कर लेते हैं। तो इस तरफ बंद वाले साइड से इसे हम स्टार्ट करेंगे और इसकी चौड़ाई लगभग हमें एक इंच की रखनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को इस तरह से बंद कर लिया है सिल करके, कोन को कट कर लेंगे। और अभी ना इसे सेंटर से फोल्ड करके दो पीसेस में अलग कर लेंगे। इसके बाद किसी भी इस तरह से मैं पेंसिल के हेल्प से इसे सीधा कर ले रही हूँ। तो ये देखिए दोनों साइड का स्ट्रैप रेडी हो चुका है। अब जो ये हमने ऑरेंज फैब्रिक बोला था ना अस्तर जैसा टॉप में यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने ना दो पीसेस को यहाँ ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद हम अपने यहाँ पे जो टॉप है वो लेंगे, उल्टे साइड पे इस तरह से इस पर बैठाएंगे इस तरह से। और इसे बैठाने लेने के बाद ना इसकी स्टिचिंग करनी है। बट यहाँ पे जो हमारा स्ट्रैप लगेगा ना यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके जो शोल्डर का सेंटर है ना यहाँ पे मार्क ले लेना है। सो दोनों साइड पे हमने सेंटर पे मार्किंग ले लिया है। ले लेने के बाद अब चलिए एक एक को स्ट्रैप जो हमारा है ना वो यहाँ पे हम बैठाते हुए इस तरह से जो हमने फ्रिल बनाया था ना उसमें जो स्टिचिंग की थी ना वही स्टिचिंग पे यहाँ पे एक और सिलाई दे करके इसे रेडी कर लेना है। सो इस तरह से हमने पूरे की सिलाई कर ली है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम अच्छे से कट कर लेंगे। कट कर लिया है और इसमें हमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगानी है। सो आप आर्म होल तरफ भी ध्यान दीजिएगा, हमने एकदम एग्जैक्ट जितना हमारा मेन फैब्रिक ने आर्म होल अच्छे से कट किया था वैसे ही हमने फिनिशिंग से अस्तर पे भी कट कर लिया है। तो अभी हम इसे पहले सीधा कर लेते हैं। और आर्म होल को स्टिच करने का एक अच्छा आंसर ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी हमें सीधा करने के बाद ना क्या करना है, इसे इस तरह से उल्टा करना है हाफ। कर लेने के बाद अभी हम जो सिलाई लगाएंगे ना पूरे आर्म होल पे नहीं लगाएंगे, हमें हाफ से ही स्टार्ट करना है क्योंकि अगर हम पूरा में सिल लेंगे तो इसे पलटने में दिक्कत आएगी। तो हाफ आर्म होल को हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद ना यहाँ से हम जो एक साइड का फैब्रिक है ना उसे सीधे साइड पर पलट लेंगे। अगर हम पूरे आर्म होल को सिल लेंगे तो यहाँ जो शोल्डर है उसकी चौड़ाई कम होगी तो हमारा फैब्रिक निकलने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो इस तरह से सिल लेने के बाद ये देखिए अब इसे सीधा करने के बाद अब उल्टे साइड पे इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस तरह से जो बचा हुआ आधा आर्म होल हमने नहीं सिला ना वो हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में ना आपका लगभग हाफ इंच सिलाई नहीं हो पाएगा। तो उसे हमें क्या करेंगे, जब इसे सीधे साइड पर पलटेंगे ना और ऊपर से सिलाई करेंगे तो वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली, हाफ इंच हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। जहाँ तक आपका सिलाई हो रहा है वहीं तक कीजिए, फिर इसे सीधा कर लीजिए। और ये देखिए फैब्रिक हमारा अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक बार इस पर अच्छे से आयरन कर लेना है। हो गया ये अच्छे से आयरन और इसके बाद हम इसमें इस तरह से पूरे को यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद हमारा जो आर्म होल में हाफ इंच हमने मार्जिन छोड़ दिया था ना वो भी सिल चुका है अच्छे से
रेडी हो गया है। और यहाँ पे हमें जो फ्रिल है उसके ऊपर भी सिलाई कर लेना है। तो ये टॉप पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब ये जो बॉटम हमने कट किया था ना, नीचे के जो घेर, वो हम यहाँ पे बैठाते हुए इसमें छोटे छोटे प्लीट्स रेडी करेंगे डायरेक्टली इसमें बैठाते हुए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अलग से इस तरह से प्लीट्स रेडी करके फिर आप टॉप में बैठा करके स्टिच कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें इंटरलॉक भी करते हुए जाऊंगी फिनिशिंग के लिए। तो दोनों साइड पे हमें इसी तरह से घेर को रेडी कर लेना है। और जिस तरह से स्ट्रैप हमने रेडी किया ना, दो और स्ट्रैप हमने रेडी कर लिया है दोनों साइड पे लगाने के लिए, क्योंकि ये फ्रॉक हल्का सा लूज रखने वाली हूँ मैं। तो अब हम इसमें हाफ इंच जो हमने मार्जिन लिया था ना, उससे ज़्यादा तो मार्जिन लिया नहीं था, तो हाफ इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही जो वेस्ट की सिलाई है ना, उसके ऊपर हम ये स्ट्रैप को लगाएंगे और इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड पे हमने अच्छे से सिलाई कर लिया है, एक बार इसे सीधा कर लेते हैं। और अब नीचे की जो घेर है ना, इसमें हमें ऑरेंज कलर का फ्रिल लगाना है, इसे और भी सुंदर ये लगेगा। तो ये जो हमने लिया था फ्रिल, इसमें ना हम इस तरह से एक बड़ी वाली सुई ले लीजिएगा, उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे इस तरह से फ्रिल रेडी कर रही हूँ, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अपने फ्रॉक को लेना है और एक साइड की सिलाई को थोड़ा सा खोल देना है। खोलने के बाद ये फ्रिल को हम इसके ऊपर से बैठाएंगे, बैठाते हुए पूरी गोलाई पे इसे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, और दूसरे साइड जो हमने मतलब ओपन रखा था ना, उसे भी हमने सिल लिया है। सिल लेने के बाद ना, ये जो हमने यहाँ पे पिको वाला फुट लगाया है और सिलाई को सीधा ही रखा है, और इसमें ना हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एकदम पतला सा सिलाई रेडी होगा। और इस तरह से इसे सिल लेने के बाद एक बार इसमें अच्छे से आयरन कर लीजिएगा, और ये फ्रॉक हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। सो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो होप वीडियो पसंद आया हो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।